नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। किन अरबपतियों की लग्जरी लाइफ गरीबों की जान ले रही है बताएंगे आपको। देश का मूड मीटर में आज दिखाएंगे कि दुनिया के उस हिस्से की तस्वीर जहां का हिंदू इस चिंता में डूबा है कि क्या उसकी दिवाली पहले जैसी चमकदार कभी हो पाएगी। लेकिन शुरुआत करते हैं रामनगरी अयोध्या से, जहां 500 साल बाद राम मंदिर वाली दिवाली की खुशियां तो है, लेकिन सांसद के खिलाफ गजब का गुस्सा भी देखने को मिल रहा। तो दिवाली करीब है, भगवान राम की अयोध्या इस बार किस तरह भव्य दिव्य दीपोत्सव मनाएगी, ये तो आप में से बहुत सारे लोगों को पता लग ही गया होगा, क्योंकि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दिवाली है, इसलिए अयोध्या पर दुनिया भर की नजर है, पूरे अयोध्यावासी उत्साह से भरे हुए हैं। लेकिन अयोध्या की सांस्कृतिक पहचान से जुड़े इस आयोजन से अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद गायब है। जनप्रतिनिधि होने के नाते अयोध्या की दिवाली के अतिथियों में अवधेश प्रसाद का नाम होना स्वाभाविक है, लेकिन अयोध्या की दिवाली से दूरी बनाने के उनके फैसले से अयोध्या के संत भड़के हुए। नाराज संतों ने मोर्चा खोल दिया है। उनका आरोप है कि अवधेश प्रसाद राम विरोधी हैं, वो अयोध्या दीपोत्सव से दूर ही रहे, इसी में उनकी भलाई है और उनका आना अपशकुन जैसा होगा और इस राम विरोध का नतीजा भी उनको जल्द ही भुगतना पड़ेगा। टाइम्स नाउ नवभारत ने जब अयोध्या के बड़े संत और धर्मगुरु रामानुजाचार्य स्वामी करपात्री जी से पूछा तो उन्होंने प्रतिक्रिया कितनी तीखी दी, ये भी आपको एक बार देखना और सुनना चाहिए। जाके प्रिय न राम बैदेही और तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परमस। जो सांसद राम का जयकार नहीं बोल सकता है उसको दीप महोत्सव में आने पे आप सकुन हो जाएगा, आने कोई आवश्यकता नहीं है। जो राम का विरोधी है तो राम को समझिए, तो कहते हैं राम राजा। अरे नौकर होते हैं ये जनप्रतिनिधि हैं, हमने वोट दे करके उनको सांसद बनाया है, वो राजा नहीं हो सकते हैं। मैंने कहा था अध्यक्ष यहाँ करके माफी भी मांगे थे, अगर किसी ने कह दिया राजा है तो मैं राजा नहीं हूँ, मैं अयोध्या के सज्जमी पा करके राजा राम सिंह के भक्तों से माफी मांगता हूँ। तो समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद इस साल हुए लोकसभा चुनाव में अयोध्या की सीट फैजाबाद से सांसद चुने गए। माना जा रहा था कि चुनाव जीतने के बाद वो अयोध्या राम मंदिर में जाकर दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, लेकिन अवधेश प्रसाद ने उल्टी राह पकड़ ली। अयोध्या में अपनी जीत को राम का आशीर्वाद मानने तक से इनकार कर दिया। चुनावी जीत के बाद एक कार्यक्रम में उन्होंने लोग जब उनसे राम नाम का पटका पहनने की अपील की, उनसे और पहनाने की कोशिश की, तो अवधेश प्रसाद ने कहते हुए उसे पहनने से इनकार कर दिया कि ये हमारी विचारधारा के खिलाफ है। सोचिए जरा, चलिए एक मिनट के लिए मान लिया यह जरूरी नहीं कि सबकी आस्था भगवान राम में हो ही। बहुत सारे लोग नास्तिक होते हैं, वामपंथी भी धर्म को अफीम कहते हैं, लेकिन अवधेश प्रसाद जैसे लोगों की पोल तब खुल जाती है जब राम मंदिर से दूरी बनाने वाले अवधेश प्रसाद इसी साल अगस्त में लखनऊ के दरगाह हजरत कासिम शरीफ पर मत्था टेकने पहुंच जाते। जो अवधेश प्रसाद राम नाम का पटका पहनना भी अपनी विचारधारा के खिलाफ समझते हैं, वही सांसद महोदय दरगाह में 500 मीटर लंबी चादर चढ़ाते हैं, 500 मीटर लंबी चादर, और दुआ मांगते हैं और फिर बाहर निकलकर बयान भी देते हैं कि मैं सांसद इन्हीं की दुआ से बना हूं। इस दरगाह से कौमी एकता का संदेश जाता है ना कमाल का समाजवाद और कमाल की विचारधारा। तुष्टीकरण की सियासत के लिए समाजवादी पार्टी सांसद इस हद तक नीचे उतर जाएंगे इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। इसीलिए अब जब अयोध्या दीपावली के लिए सज गई है तो संत महंत से लेकर अयोध्या के आम नागरिक तक कह रहे हैं कि अवधेश प्रसाद को बतौर सांसद भी अयोध्या के इस आयोजन में शामिल होने का हक नहीं है।
अयोध्या के लोगों की प्रतिक्रिया भी आपको एक बार सुननी चाहिए। अवधेश प्रसाद जिस दल से सांसद हैं, जिस दल के, उसी दल के मुखिया ने अयोध्या में हम सभी कार्यकर्ताओं पर गोली चलवाई थी। बस कल का ही दिन था वो 30 अक्टूबर, और उसके दो दिन बाद 2 नवंबर का दिन। अवधेश प्रसाद खुद ही राजा बनते हैं, स्टेटमेंट ऐसे ऐसे आ रहे हैं कि वो खुद ही अयोध्या के राजा हैं। तो अगर वो भगवान राम से तुलना अपनी करते हैं तो फिर वो अपने घर में बैठे रहे। सही बात है, जिन लोगों ने कार्यकर्ताओं पर गोली चलवाई है वो राम भक्त हो ही नहीं सकते हैं, वो तो रावण भक्त है। तो अयोध्या के फैजाबाद से अवधेश प्रसाद सांसद बने, उसके बाद से ही समाजवादी पार्टी इस जीत को राम भक्तों की हार और तुष्टीकरण की अपनी विचारधारा की जीत के तौर पे प्रचारित कर रही है। अयोध्या वासियों के लिए भगवान राम अयोध्या के राजा हैं, लेकिन चुनावी जीत के बाद अखिलेश यादव ने अयोध्या आकर कहा कि नवनिर्वाचित सांसद अवधेश प्रसाद राजा अयोध्या हैं। यानी अखिलेश हो या अवधेश प्रसाद, वो लगातार एक संदेश देने की कोशिश में हैं कि उनकी राजनीति में न तो अयोध्या के लिए कोई जगह है और न राम का उनके लिए कोई मायने है। अब बाकी फैसला जनता को करना। तो देश का मूड मीटर में अब रोहिंग्याओं से जुड़ी एक बड़ी खबर, लेकिन आपको बता दें कि अब से बस थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि कहां दिवाली पर दहशत का अंधेरा कायम है। लेकिन देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई अब एक खबर का विश्लेषण जो कि रोहिंग्याओं से जुड़ी। अपने देश में मौजूद कुछ ताकतें रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को किसी न किसी तरीके से भारत में घुसपैठ कराने और फिर उन्हें यहां बसाने की जुगाड़ में लगी रहती, और ऐसी ही ताकतों को आज कोर्ट में एक बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट में रोहिंग्या शरणार्थियों के बच्चों को दिल्ली के सरकारी स्कूल में एडमिशन देने की मांग को लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसे आज हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि शिक्षा का अधिकार सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए, और राइट टू एजुकेशन के तहत विदेशियों और शरणार्थियों को आप इस देश में कंपलसरी एजुकेशन या दाखिला देने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते इस कानून के आधार पर। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि कोर्ट नागरिकता नहीं दे सकता, नागरिकता देना सरकार का काम। असल में बच्चों का स्कूल में एडमिशन तो बहाना था, असली मकसद रोहिंग्या को भारत में बसाना था। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, जरा इस बात को भी समझिए। हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले लोगों का दावा था कि रोहिंग्या शरणार्थियों के बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है, इस वजह से स्कूल में उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा। कोशिश यह थी कि रोहिंग्याओं को पढ़ाने के लिए पहले उनका आधार कार्ड बनवाया जाए, और जब आधार कार्ड बन गया तो वो बाकी के प्रमाण पत्र देर सवेर तो बना ही लेंगे, और जब आपके पास सारे पहचान पत्र हो ही, सारे प्रमाण पत्र हो ही, तो कल को आप भारत का नागरिक होने का अगर दावा करने लगेंगे तो आपको कौन रोक पाएगा। इसीलिए गौर कीजिए कि दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले को खारिज करते हुए क्या टिप्पणी। कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कहा कि किसी भी देश में कोई भी अदालत यह निर्धारित नहीं करती कि किसे नागरिकता दी जाए और किसे नहीं। जो आप सीधे सीधे नहीं कर सकते उसे आप अप्रत्यक्ष रूप से करने का प्रयास कर रहे हैं। याचिकाकर्ता को कोर्ट ने कहा कि आप सीधे सीधे नागरिकता के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते थे, तो आपने उसे बच्चों के दाखिला के माध्यम से करवाने की आप कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले उचित अधिकारियों से इसमें संपर्क करिए, आप इसके लिए अदालती प्रक्रिया का उपयोग नहीं कर सकते। उन्हें भारतीय के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए, यह जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कोई छोटा मामला नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय मामला है, यह सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। यह याचिका एक सोशल ज्यूरिस्ट नाम की एक गैर सरकारी संस्था है, उसने कोर्ट में दाखिल की थी, और रोहिंग्या को सरकारी स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए यूएन और पता नहीं कहां कहां के नियमों का हवाला दिया गया था उसे। लेकिन अदालत के आगे ये सारा एजेंडा उनका फेल हो गया। रोहिंग्या म्यांमार के बांग्लाभाषी मुसलमान हैं, और भारत में आधिकारिक रूप से 40,000 रोहिंग्या रहते हैं इस समय, लेकिन 2010 से लेकर अब तक रोहिंग्या की आबादी में करीब 4 गुना की बढ़ोतरी हो चुकी है,
और साल 2018 से 20 के बीच का ही आंकड़ा कहता है कि भारत में अवैध तरीके से घुसने की कोशिश करते हुए 3000 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया गया था। रोहिंग्या देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन चुके हैं, चुनौती बन चुके हैं। लश्करे तैयबा, अलकायदा और यहां तक कि ISIS जैसे आतंकी संगठनों से रोहिंग्या के जुड़ने की खबरें आती रही। सुरक्षा एजेंसियों की जांच में यह बात भी सामने आ चुकी है कि इन घुसपैठियों को भारत में बसाने के लिए पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमीरात और सऊदी अरब जैसे मुस्लिम देश लगातार फंडिंग कर रहे हैं। दुनिया के तमाम इस्लामिक देशों में जिन रोहिंग्याओं के घुसने पर पाबंदी है उनको भारत में बसाने के लिए क्या क्या प्रपंच किया जा रहा है वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, मुस्लिम आबादी वाला देश है इंडोनेशिया, और हाल ही में लकड़ी की नाव पर सवार होकर 140 रोहिंग्या इंडोनेशिया के उत्तरी प्रांत आचे के तट पर से करीब करीब 1 मील दूर उतरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इंडोनेशिया ने उन्हें अपनी धरती पर पांव तक नहीं रखने दिया। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और यहां दिल्ली में स्कूल में एडमिशन के नाम पर रोहिंग्याओं को सेट करने का पूरा खेल चल रहा था। तो देश का मूड मीटर में अब आपको दिखाते हैं कि कहां दिवाली पर दहशत का अंधेरा कायम है, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे कि घाटी में टेरर के खिलाफ किस टैंक से प्रहार किया गया है। तो आज धनतेरस है और भारत में दीपावली की धूम आज से दिखनी शुरू हो चुकी है। रंग बिरंगी लाइटों के बीच घरों में इस त्योहार की तैयारियां जोर शोर से चल रही है, लेकिन पड़ोसी देश बांग्लादेश में नफरत का अंधेरा कायम दिख रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश पूजा और दुर्गा पूजा के बाद दिवाली भी कट्टरपंथी गैंग के निशाने पर है। पिछले त्योहारों में तो बांग्लादेश की सरकार ने दुनिया को भ्रम में रखने के लिए यह बयान भी दिया था कि हिंदुओं को सुरक्षा दी जाएगी, लेकिन दिवाली पर तो इस बार यह खाना पूर्ति भी नहीं की गई। और आज खबर बांग्लादेश के मदारीपुर जिले के गोपालपुर से आई है, जहां के ककलिनी इलाके में लोकल मुसलमानों ने अल्पसंख्यक हिंदुओं को दिवाली पर काली पूजा नहीं करने की धमकी दी। बांग्लादेश के कलकिनी इलाके के कुंडू हाउस में दिवाली पर काली पूजा की परंपरा 300 साल से चली आ रही है, जिसमें बड़े पैमाने पर इलाके के हिंदू जुटते हैं और मिलजुल कर ये पूजा करते हैं। जिहादी गैंग ने कुंडू हाउस को इस बार काली पूजा नहीं करने की चेतावनी दी है। उनकी तरफ से कहा गया है कि बांग्लादेश में अब इस्लामिक राज है और यहां हिंदू त्योहार मनाना पाप है। हिंदुओं को डराने के लिए व्हाट्सएप पर धमकाने वाले मैसेज भेजे जा रहे हैं। बंगाली हिंदू समाज में दिवाली पर काली पूजा के साथ साथ मसाल जुलूस निकालने की भी परंपरा रही। बांग्लादेश में भी इसे अब तक धूमधाम से मनाया जाता रहा है। काली पूजा पर मसाल जुलूस किस जोश के साथ निकाला जाता है, इसे समझने के लिए आपको पश्चिम बंगाल के मालदा की एक तस्वीर दिखा रहा हूं। आपको जरा इस तस्वीर को देखिए, ये पश्चिम बंगाल की तस्वीर, भारत की तस्वीर है। इस वीडियो में मशाल जुलूस में आगे आगे काली माँ की मूर्ति कंधे पर उठाए हुए लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे। और बांग्लादेश में सब कुछ ठीक ठाक अगर होता तो दिवाली इसी तरह मनाई जाती, लेकिन तस्वीर अभी इसके उलट है। हिंदू त्योहार से ज्यादा वहां के जो हिंदू हैं त्योहार से ज्यादा अपनी जान की सुरक्षा को ध्यान में रख रहे हैं, और इधर जिहादी गैंग हिंदुओं को डराने के लिए मौके ढूंढ हर छोटे बड़े मौके की तलाश में है। उदाहरण के लिए आपको बांग्लादेश के फरीदपुर के बाउलमारी इलाके का एक वीडियो दिखाता हूं, जो आज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा। इस वीडियो में बांग्लादेश आर्मी के कुछ फौजी एक हिंदू लड़के को उठाकर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। रास्ते में लगातार उसे डंडे से पीट रहे हैं। कट्टरपंथियों की जमात भी उनके साथ साथ चलती दिखाई दे रही है, और खबरों के मुताबिक इस लड़के का नाम हृदयपाल है और इसे इष्ट निंदा का आरोप लगाकर उठाया गया और फिर इलाके में घुमाकर इसको पीटा। इस वारदात को हिंदुओं को डराने की जिहादी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, और हर गुजरते हिंदू त्योहार के साथ ऐसी तस्वीरें बढ़ती जा रही है। ये एक अलग चिंता का विषय। तो अब आगे बढ़ते हैं और देश का मूड मीटर में आपको दिखाते हैं कि घाटी में आतंक के खिलाफ किस टैंक से प्रहार हुआ है, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे कि देश के बुजुर्गों को पीएम मोदी ने
कौन सा कवच दिया है जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। तो अब बात घाटी में आतंक के सफाई की। जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव खत्म होने के बाद से ही आतंकी घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी हुई। बीते दो हफ्तों में 4 बड़े आतंकी हमले हुए। भारतीय सुरक्षा बल आतंकियों के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रहे। 28 तारीख को आतंकियों के खात्मे के लिए बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया, उन्हें मैदान में उतारना पड़ा। मुठभेड़ वाली जगह पर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल BMP-2 को उतारा गया और इसका इस्तेमाल ट्रूप को प्रोटेक्शन देने के लिए किया गया। इसमें लगे हथियारों का यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये BMP-2 की तस्वीरें हैं और देखकर एक बार ही आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये एक टैंक है जिसके जरिए भारतीय सेना के जवान वहां तक पहुंचे जहां पर कि एनकाउंटर हो रहा था। लेकिन असल में टैंक नहीं बल्कि उसी तरह से मिलती जुलती एक बख्तरबंद गाड़ी है जिसे BMP कहा जाता है। BMP टैंक की मदद से जवानों को जंगल के उस इलाके तक पहुंचाया गया जहां आतंकी मौजूद थे। अमूमन BMP-2 बख्तरबंद टैंक को, आर्मर्ड व्हीकल को वॉर जोन में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि करीब 14.5 टन वजनी ये आर्मर्ड व्हीकल 360 डिग्री यानी कि हर तरफ घूमकर दुश्मन पर हमला कर सकता है और उस पर नजर रख सकता है और इसकी रफ्तार 65 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। BMP-2 एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और ऑटोमेटिक टोप से भी लैस होता है और इसमें 30 mm और 7.62 mm की मशीन गन भी लगी होती है जिसकी क्षमता 2000 राउंड प्रति मिनट होती है। इस टैंक में अधिकतम 7 क्रू मेंबर बैठ सकते हैं और इसका मुख्य काम दुश्मन के एरियल खतरे और सामने से गोलीबारी के बीच सैनिकों को सुरक्षित रखते हुए उन्हें वॉर जोन तक पहुंचाना होता है। और इसी BMP-2 का इस्तेमाल करके जो कल एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन हुआ उसमें सैनिकों को वहां पहुंचाया गया जहां पर कि यह एनकाउंटर चल रहा था। BMP-2 टैंक कुछ साल पहले तक रूस में बनाए जाते थे और भारत वहां से इसको इंपोर्ट करता था, लेकिन अब भारत खुद इसे बनाता है। BMP-2 जमीन पर तो आसानी से दौड़ सकता ही है, ये नदी और नालों को भी आसानी से पार कर सकता है और जैसा कि हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं ये उसी ऑपरेशन की तस्वीर है और आप देख सकते हैं कि किस तरह का पूरा टेरेन है, किस तरह की का इलाका है। उबड़ खाबड़ जमीन है, नाले हैं, नदी बगल से गुजरती हुई दिखाई दे रही है और इससे गुजर कर भारतीय सेना के जवानों को उस जगह पहुँचाया गया जहाँ पर कि आतंकी छिपे हुए थे और उनका सफाया किया गया। तो अखनूर में जो भारतीय सेना ने ऑपरेशन चलाया उसमें किसी जवान की जान तो नहीं गई, लेकिन सेना के K9 स्क्वाड का 4 साल का एक बहादुर डॉग फैंटम जरूर शहीद हो गया। जम्मू डिफेंस PRO के मुताबिक सैनिक जब आतंकवादियों के करीब पहुंच रहे थे तब फैंटम ने दुश्मन की गोलीबारी को झेला और जिसमें कि वो घायल हो गया था। बाद में फैंटम ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। तो देश का मूड मीटर में अब आपको दिखाते हैं कि देश के बुजुर्गों को PM मोदी ने कौन सा कवच दिया जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। लेकिन अब से थोड़ी देर बाद आपको सीधे लेकर चलेंगे रामनगरी अयोध्या और दिखाएंगे कैसे अयोध्या ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी कर ली। तो आज धनतेरस है यानी अच्छे स्वास्थ्य की कामना करने का शुभ दिन, भगवान धन्वंतरी की आराधना का दिन। और आज ही के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने देश के बुजुर्गों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक शानदार तोहफा दिया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत आज से देश के 70 साल और उससे ऊपर के सारे लोगों के लिए फ्री हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा शुरू हो गई। बढ़ती उम्र में स्वास्थ्य सबसे बड़ी चुनौती होती है और 70 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजन के लिए तो मतलब यूं समझिए कि प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस मिलना भी मुश्किल हो जाता है और अगर मिल भी जाए तो प्रीमियम इतना महंगा होता है कि उसे खरीदना आम आदमी के बूते से बाहर होता है। ऐसे में गरीब परिवारों के बुजुर्गों की हालत की कल्पना करके जरा देखिए। PM मोदी ने आज देश के सभी बुजुर्गों को
चाहे वो गरीब परिवार के हों या अमीर परिवार के, उन्हें हेल्थ गारंटी दी। दिवाली पर बुजुर्गों को मिला ये सबसे बड़ा तोहफा है, जिसके बाद उन्हें अपने हॉस्पिटलाइजेशन और बीमारी के इलाज की चिंता नहीं सताएगी। इस योजना के तहत 70 साल और उससे ऊपर के लोग 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज हर साल करवा सकेंगे और इसमें एक्स्ट्रा टॉपअप की भी सुविधा है, यानी कि आप चाहें तो 5 लाख से ऊपर भी हेल्थ कवर ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी जो हेल्थ कंडीशन है, आपकी जो सेहत है, उसमें खर्च ज़्यादा होगा, तो आप 5 लाख से ज़्यादा का भी हेल्थ कवर ले सकते हैं। पीएम जन आरोग्य योजना, जिसे आम बोलचाल में आयुष्मान भारत योजना कहते हैं, पीएम मोदी ने उसका दायरा बढ़ाकर देश के सीनियर सिटीजन को ये सौगात दी है और ये योजना दुनिया की सबसे बड़ी पब्लिक हेल्थ गारंटी स्कीम है। पीएम आयुष्मान भारत योजना में करीब 12.5 करोड़ गरीब परिवारों के करीब 55 करोड़ लोगों को पहले ही 5 लाख रुपए सालाना का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस कवर मिल रहा है और इसमें अब करीब 4.5 करोड़ परिवारों के लगभग 6 करोड़ बुजुर्ग नागरिक भी जुड़ गए हैं। इसका फायदा आपके घर के बुजुर्गों को कैसे मिले, ये भी अब आपको जानना चाहिए। इसके लिए आयुष्मान ऐप या पीएम जय पोर्टल या यूविन पोर्टल पर बुजुर्गों का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जिस परिवार के पास पहले से आयुष्मान कार्ड है, उन्हें नए कार्ड के लिए फिर से अप्लाई करना होगा और अपना EKYC फिर से कराना होगा, ताकि परिवार का और बुजुर्गों का अलग अलग कार्ड बन सके। तो ये देखिए, इतनी बड़ी योजना की शुरुआत आज हुई है, लेकिन विडंबना देखिए कि इतनी शानदार योजना होने के बावजूद इसका फायदा दिल्ली और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों को नहीं मिलेगा, क्योंकि इन दोनों राज्यों की सरकारें इसका विरोध कर रही हैं। तो ये तो हुई योजना और ये हुई योजना से जुड़ी हुई पॉलिटिक्स। दिल्ली में जो सरकार है और पश्चिम बंगाल में जो सरकार है, वो इस आयुष्मान योजना से जुड़ नहीं रही है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने ही राज्य के बीमार लोगों के साथ जुल्म करने की वृत्ति, ये प्रवृत्ति मानवता की दृष्टि से किसी भी तराजू पर खरी नहीं उतरती। तो देश का मूड मीटर में अब आपको लेकर चलेंगे रामनगरी अयोध्या और दिखाएंगे कि कैसे अयोध्या ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे कि धनतेरस का रिश्ता वेल्थ से कम और हेल्थ से ज्यादा कैसे जुड़ा हुआ है। श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या जो भव्य और दिव्य दीपोत्सव के लिए सज धज कर तैयार है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद होने वाला पहला दीपोत्सव कई मायनों में खास होने वाला है। अयोध्या में इस बार ऐतिहासिक दिवाली मनाई जाएगी, बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड, सब कुछ अद्वितीय होने वाला है और इसकी पूरी ग्राउंड रिपोर्ट आपको सीधे अयोध्या से दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको धनतेरस पर प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने अयोध्या की दिवाली का जिक्र किया है। अयोध्या में राम लला की जन्मभूमि पर बने उनके मंदिर में भी हजारों दीप जलाए जाएंगे। एक अद्भुत उत्सव होगा। ये ऐसी दीपावली होगी जब हमारे राम एक बार फिर अपने घर आए। और इस बार ये प्रतीक्षा 14 वर्ष के बाद नहीं, 500 वर्षों के बाद पूरी हो रही है। तो जिसकी प्रतीक्षा 500 वर्षों से राम भक्तों को थी, वो पूरी हो चुकी है और अब वक्त है रिकॉर्ड तोड़ने का और जश्न मनाने का। और अयोध्या में दिवाली पर पिछले साल 22,23,000 दिए जले थे और साल 2022 में 15,76,000 दिए जले थे, जबकि इस बार पूरी अयोध्या में
25 लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक नया रिकॉर्ड दर्ज कराने की तैयारी चल रही है। सरयू के 55 घाटों पर 30,000 स्वयंसेवक की तरफ से अभी भी 28 लाख, ऐसा कहा जा रहा है कि 28 लाख दिए बिछाए गए हैं इस बार, और ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। और अब आपको सीधे लेकर चलते हैं श्रीराम जन्मभूमि और दिखाते हैं कि कितने भव्य और दिव्य तरीके से इस पूरे आयोजन की तैयारी चल रही है। श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो पहली दिवाली है वो उतनी ही खूबसूरती से लाखों दियों से जगमग होने के लिए तैयार है। दीपोत्सव कल मनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले राम की पैड़ी पर जरा देखिए रंग बिरंगी रोशनी, दियों से बनाई हुई ये रंगोली। ऐसा लगता है कि वाकई इस बार की जो राम नगरी की दिवाली है वो न सिर्फ देशवासियों के मंत्र को मुग्ध करेगी बल्कि पूरे विश्व में इसकी चर्चा होगी। और हो भी क्यों ना, 25 लाख दियों को एक साथ जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है। अयोध्या के 55 अलग अलग घाटों पर अभी से 28 लाख दिए लगा दिए गए हैं ताकि कोई भी कोर कसर रहे ना। और ज्यादा तस्वीरें आप देखिए, विजय मुकेश को कह रही हूँ कि आपको तस्वीरें दिखाएं। जहाँ तक आपकी निगाह राम की पैड़ी पर जा रही है वहाँ दिए ही दिए हैं, ये दिए लगा दिए गए हैं, सजा दिए गए हैं। अब यहाँ पर कल जब दीपोत्सव होगा तब उससे पहले इसमें तेल डाला जाएगा, तिल का तेल यहाँ पर ले आया गया है और बाती लगाई जाएगी, और उसके बाद जब दिए रोशन होंगे तो ऐसा लगेगा कि पूरी अयोध्या नगरी दियों से जगमग हो उठी है। और उसके बाद जबरदस्त लेजर लाइट और साथ ही साथ यहाँ कई तरह के शो, एक साथ आरती गाने का 1100 लोगों की तरफ से जो रिकॉर्ड बनेगा वो भी अपने आप में अद्भुत होने वाला है। यानी इस बार की रामनगरी की जो दिवाली है कई मायनों में बेहद खास है। और टाइम्स नाउ नव भारत ग्राउंड जीरो से लगातार ये हर तस्वीर आप तक पहुंचाता रहेगा। और जरा देखिए लेजर शो की जो एक झलक है वो नजर आ रही है कि कैसे रोशनी की जो तैयारियां हैं कल के खास शो को लेकर वो यहां पर जारी है। तो इस देश में दीपावली तो हजारों साल से मनाई जाती रही है, लेकिन पिछले कुछ सौ सालों से इस देश में दीपावली इस तरीके से मनाई जाती थी कि रंग और रोशनी तो दिखते थे लेकिन इस दीपावली के उत्सव से राम गायब थे। अब दीपावली को राम के संदर्भ में पुनर्स्थापित करने की कोशिश जो दिख रही है उसको देखकर वाकई देश के करोड़ों हिंदुओं का मन हर्षित हो जाता होगा। तो देश का मूड मीटर में अब आपको बताते हैं कि धनतेरस का रिश्ता वेल्थ से कम और हेल्थ से ज्यादा कैसे जुड़ा हुआ है। लेकिन अब से थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे कि धरती से 400 किलोमीटर ऊपर से किसने कहा है हैप्पी दिवाली। तो आइए अब बात आज धनतेरस के त्योहार की। एक ऐसा त्योहार जिसकी चर्चा से ही आपकी आंखों में रोशनी आ जाती है, चमक आ जाती है, सोने चांदी की चमक। और देश के सभी छोटे बड़े लोग अपनी हैसियत के हिसाब से सोने चांदी की खरीदारी करते हैं। लोग ये मानते हैं कि अगर आज आप सोना चांदी खरीदते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है, सालों भर आपका खजाना खाली नहीं होता है और धन्य धान्य बना रहता है। सोने चांदी खरीद के लिए आज जो तत्परता आपको दिखाई दे रही है बाजारों में, जाहिर सी बात है कि आज जब सोना एक रिकॉर्ड स्तर पे है तो आज उसकी खरीदारी और उसकी बिक्री भी रिकॉर्ड तोड़ सकती है, और जिसका कि आंकड़ा अब से थोड़ी देर बाद हो सकता है हमें और आपको पता लग जाए। लेकिन इस वक्त मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो कहानी कुछ और है। ज्यादातर लोग धनतेरस का मतलब धन और धन के देवता की उपासना से समझते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि धनतेरस का दिन देव धन्वंतरी को समर्पित है जो स्वास्थ्य के देवता हैं, देवताओं के वैद्य हैं। और चूंकि जीवन का सबसे बड़ा धन सेहत ही माना जाता है इसलिए इसे धनतेरस कहा जाता है। अंग्रेजी में भी लोग कहते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, और हिंदी में भी कहने वाले कहते हैं कि पहला सुख जो कंचन काया, यानी कि अगर आपका शरीर निरोगी है तो दुनिया का सबसे बड़ा सुख है आपके पास। पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से देखें तो धनतेरस के दिन ही समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन देव धन्वंतरी की पूजा का विशेष महत्व है। और भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य को सबसे बड़ा धन माना गया है और इसे सभी प्रकार के वैभव से ऊपर रखा गया है, इसलिए देव धन्वंतरी स्वास्थ्य के देवता हैं, उन्हें आयुर्वेद का जनक भी माना जाता है। अब आपको फिल्म स्टार अक्षय कुमार का सोशल मीडिया पर एक पोस्ट दिखाते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिटनेस के प्रति जुनून को अक्षय ने सलाम किया है और साथ में लिखा है कि आज धनतेरस है और हेल्थ से बड़ा कोई वेल्थ नहीं, यानी कि स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं, इसलिए आपको हैप्पी धनतेरस। वाराणसी में भगवान धन्वंतरी का मंदिर है और यह मंदिर साल में केवल एक बार यानी कि आज धनतेरस के दिन ही खुलता है। इस मंदिर में भगवान धन्वंतरी की अष्ट धातु से बनी हुई 50 किलो की एक मूर्ति है और ऐसा बताया जाता है कि यह मूर्ति करीब 326 साल पहले यहां स्थापित की गई। करीब 2.5 फुट ऊंची इस मूर्ति में भगवान धन्वंतरी के एक हाथ में अमृत कलश, दूसरे में शंख, तीसरे में चक्र और चौथे हाथ में जोंक है। जोंक इसलिए क्योंकि एक जोंक चिकित्सा भी होती है, बहुत सारे लोगों को लोग इससे वाकिफ होंगे और आयुर्वेद में इसका एक विशेष महत्व होता है। धन्वंतरी जयंती के मौके पर भगवान की इस प्रतिमा का खास विधि के साथ पूजा अर्चना और श्रृंगार किया जाता है। उनको फल फूलों से और जड़ी बूटियों और औषधियों का भोग लगाया जाता है और दूर दूर से भगवान से मंदिर से भगवान धन्वंतरी से आशीर्वाद लेने के लिए भक्त पहुंचते हैं। मान्यता यह है कि भगवान निरोगी काया का आशीर्वाद देते हैं, तो धनतेरस के इस मौके पर आप सभी दर्शकों को एक अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि धनतेरस के इस मौके पे आप सब लोग सुखी और निरोगी हों। और अब आखिर में आपको दिखाते हैं एक हैरान करने वाली रिपोर्ट। क्या आपको पता है कि दुनिया के टॉप 50 अमीर लोग जिस तरह की जिंदगी जी रहे हैं उससे दुनिया में भूख और गरीबी किस कदर बढ़ रही, दुनिया के रईस पर्यावरण के लिए एक प्रॉब्लम बनते जा रहे हैं। रईसों की लग्जरी लाइफ और महंगे शौक की वजह से धरती का दम घुट रहा है और एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट में। साल 2015 से 2019 के बीच दुनिया में जो टॉप 50 अमीर लोग हैं उनकी लाइफ स्टाइल पर एक स्टडी की गई, तो यह पता चला कि एक साधारण व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी में जितना पर्यावरण को नुकसान नहीं करता उतना नुकसान तो दुनिया के 50 अमीर लोग सिर्फ 3 घंटे में कर देते हैं। और अब ये समझिए कि यह नुकसान कैसे होता है। अमेजन कंपनी के फाउंडर हैं, जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूं आपको कि अमेजन कंपनी के फाउंडर हैं जेफ बेजोस। अब जरा देखिए, इनके पास 2 प्राइवेट प्लेन है और साल में ये करीब 600 घंटे हवा में रहते हैं। चूंकि बड़ी कंपनी के मालिक हैं, सीईओ हैं, तो ये बहुत सारी यात्राएं जो है वो अपने प्राइवेट प्लेन से करते हैं, प्राइवेट जेट से करते हैं। और प्राइवेट जेट से पर्यावरण को उतना नुकसान पहुंचता है जितना इनकी कंपनी में काम करने वाला एक कर्मचारी 207 साल में कर पाएगा। एक सामान्य व्यक्ति के जीवनचर्या दिनचर्या से पर्यावरण को जितना नुकसान होता है उतना नुकसान ये एक साल में कर देते। अब एक दुनिया की दूसरी बड़ी कंपनी के मालिक देखिए, ये एलन मस्क हैं। एलन मस्क टेस्ला के चीफ हैं और दुनिया के सबसे अमीर आदमी। इनके पास भी 2 प्राइवेट प्लेन हैं और साल भर में इनके प्लेन से इतना धुआं निकलता है सिर्फ एक साल में जितना एक साधारण आदमी 834 साल, सोचिए 834 साल में जितना उसकी वजह से एक सामान्य आदमी की वजह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा उतना एक साल में इनके प्राइवेट प्लेन से उतना नुकसान हो जाता है पर्यावरण। तो यह है एक छोटा सा उदाहरण कि कैसे